1977 की जनता पार्टी की लहर हो या 1987 की चौधरी देवीलाल की आंधी या फिर 2014 की मोदी लहर, आदमपुर पर भजन लाल परिवार का झंडा हमेशा बुलंद रहा है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी में भजन लाल के गढ़ में सेंध लग गई, जो कुलदीप बिश्नोई के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में भजन लाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा था। और अब भजन लाल परिवार के अवैध सियासी किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को मैदान में उतारा है, जिसके कारण आदमपुर में टक्कर कड़ी होने की संभावना है। बीजेपी ने आपके सामने एक एक्ट्रेस को उतारा है, तो व्हाट यू हैव टू से? देखिए, उनका स्वागत है आदमपुर में, आएंगे उनको हलवा पूरी भी खिलाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। कोई भी कुछ भी कह सकता है, वो बोलने के लिए स्वतंत्र है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। मैं उनका सम्मान करती हूँ। उनके पिता चौधरी भजन लाल जी ने हरियाणा के लिए बहुत अच्छे काम किए, आदमपुर के लिए भी अच्छे काम किए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी, आप मेरे ऊपर ऐसा कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आपसे पारिवारिक रिश्ते हमेशा रहे हैं, तो मैं आपको एक अच्छे इंसान के नाते जानती हूँ। लेकिन आप कभी अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन पाए, जनता के बीच के नेता नहीं बन पाए। अगर आपको जनता के बीच का नेता बनना है, तो मैं सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर आप हल्के में रहने के लिए तैयार रहो अगले 5 सालों के लिए। लेकिन मुझे पता आप नहीं रहेंगे, मैं रहने वाली हूँ, तो जीत मेरी ही होगी। आदमपुर विधानसभा सीट से इस चुनाव में 17 नामांकन भरे गए, जिसमें 15 एक्सेप्ट हुए, 2 रिजेक्ट हुए, किसी ने नामांकन वापस नहीं लिया। यानी चुनावी मैदान में 15 उम्मीदवार यहां से किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो इस सीट पर सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में कुलदीप बिश्नोई हैं, तो बीजेपी की सोनाली फोगाट इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए ताल ठोक रही हैं। इनके अलावा इनेलो से राजेश गोदारा, जेजेपी से रमेश कुमार, बीएसपी से सतवीर, सीआईएम से सुरेश, भारतीय किसान पार्टी से शमशेर सिंह, इसके अलावा निर्दलीय से अमित, खुशी राम, प्रवीण, मनोज कुमार, मीनाक्षी बेनीवाल, श्रवण कुमार, संजय और सुनील कुमार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन कांटे की टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी की प्रत्याशी सोनाली फोगाट के बीच मानी जा रही है। जहाँ तक जो हमारे बीजेपी कैंडिडेट की बात है, उनकी आदमपुर में मुझे लगता नहीं कोई फैन फॉलोइंग है या कोई उनका वोट बैंक है, क्योंकि कभी आदमपुर में आई नहीं, कभी आदमपुर को देखा भी नहीं होगा। एक नॉमिनेशन से पहले, नॉमिनेशन के बाद पहली बार जिंदगी में आदमपुर आई होंगी, उनको कौन, उनका कौन वोटर होगा यहाँ पे कि भाई आपने कहा उनके वोट तोड़ पाएंगे। फैन फॉलोइंग होना और बात है, वोट तब्दील होना और बात होता है। आदमपुर हल्के की जनता जागरूक हो चुकी है, वो समझ चुकी है कि कुलदीप बिश्नोई कहाँ रहते हैं और क्या काम करते हैं और कितना उन लोगों का सहारा बनते हैं, तो वो लोगों के समझ में आ चुका है। इसीलिए जो विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस कमल के फूल को आदमपुर की जनता चुनेगी और अवश्य हम लोग आदमपुर में कमल का फूल खिलाएंगे। आदमपुर में भजन लाल परिवार की सियासी सफर की बात करें तो यहाँ का सियासी इतिहास भजन लाल परिवार के नाम ही रहा है। जाट बहुल इस विधानसभा क्षेत्र से भजन लाल 1968 से लेकर 2005 तक 8 बार विधायक चुने गए और 3 बार कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर की जनता ने विधानसभा में चुनकर भेजा था। वहीं कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई भी 1 बार यहां से विधायक चुनी जा चुकी हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के पूरे इतिहास को देखें तो 1987 से लेकर 2014 तक भजन लाल परिवार का अभेद्य राजनीतिक दुर्ग रहा है। पिछले 5 सालों में आदमपुर हलके की चिंता न कर कुलदीप बिश्नोई के आदमपुर से बाहर रहने के कारण राजनीतिक उठापटक में भजन लाल परिवार के दुर्ग की दीवारें हिल गई। हालांकि पिछले 51 सालों से जीतते आ रहे भजन लाल परिवार को हराना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन सोनाली फोगाट का दावा है कि पिछले 5 वर्षों में जो विकास कार्य आदमपुर हलके में बीजेपी के सरकार ने किए हैं, उससे निश्चित है कि अब की बार भाजपा के लिए बंजर बने आदमपुर विधानसभा में 51 सालों के बाद कमल का फूल जरूर खिलेगा। देखिए, चुनौती मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि जब इंसान अच्छा काम करने के लिए निकलता है तो लाखों करोड़ों लोग उसके साथ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कौन अच्छा कर रहा है। मिसाल दूंगी एक, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है,
उसकी मिसाल दूंगी, क्योंकि सालों से कांग्रेस का राज रहा, उनकी सत्ता रही, उन्होंने एक परिवार ने राज किया, उसी तरह से सेम पोजीशन है आदमपुर हलके की, और आदमपुर हलके में भी वही होने वाला है इस बार। पिछले 5 साल के अंदर जो भेदभाव और जो अपरिपक्वता मनोहर खट्टर ने दिखाई हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ, उसका जवाब लोग वोट के रूप में देंगे। आज मेरा हरियाणा जबरदस्त तरीके से पिछड़ गया है, और चाहे वो बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या विकास की बात हो। इस सीट को भजनलाल के परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन सोनाली फोगाट का कहना है कि ये सीट अमेठी की तरह है, जहां से बड़े नाम चुने गए लेकिन जनता के लिए काम नहीं हुए। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने पिछले 70 सालों से देश पे राज किया, और विकास जितना होना चाहिए था नहीं किया। इस हलके का मैं उदाहरण दूंगी, और यहाँ के लोग बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जो उम्मीदवार रहे, जो विधायक रहे यहाँ से, उन्होंने कभी इस हलके की सुध-बुध नहीं ली, अपना समय नहीं दिया, कभी लोगों से संपर्क नहीं किया, और ना ही उन्होंने कोई काम करवाए आज तक, क्योंकि उनका वो व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस देखने के लिए विदेश में रहते हैं ज़्यादातर। अगर वो समस्या हल करवाते तो लोग, हर एक आदमी जहाँ भी हम मिल रहे हैं, गुजर रहे हैं जिस गली से, सबके यहाँ से एक ही आवाज़ आती है कि मोदी सरकार ने विकास करवाया, इस बार हमें मौका मिला है, हम मोदी सरकार को वोट देंगे, मनोहर सरकार को वोट देंगे, क्योंकि हमें भी हम कितने दिनों तक इन लोगों का एहसान चुकाते रहेंगे। हम लोग अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम कमल के फूल पे मोहर लगाएंगे, यही सबका कहना है। पिछले 5 दशकों से अजय रही आदमपुर विधानसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई पिछड़ गए थे। कांग्रेस प्रत्याशी भव्य को लोकसभा चुनाव में आदमपुर विधानसभा सीट से 35,895 मत मिले, जबकि भाजपा के विजेंद्र को 59,122 मत मिले। ये पहला मौका था जब भजनलाल परिवार के किसी सदस्य को 23,227 मतों से अपने ही गृह क्षेत्र में हार मिली हो। देखिए, लोकसभा के और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा में लोग गुमराह हुए, अगर आज लोकसभा का चुनाव दोबारा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भव्य लाखों मतों से यहाँ से जीतेगा, क्योंकि उस वक्त लोग गुमराह थे, चाहे वो इमरान खान पाकिस्तान की बात कर लो, लेकिन आज लोग तंग हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी, पहले क्योंकि आरएसएस के लोग ये मुखबर रहे हैं अंग्रेजों के, पहले वो लगान लगाते थे, अभी चलान काटने लग गए हैं। तो गरीब आदमी दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, और सभी लोग दुखी हैं। पिछली बार यानी 2014 विधानसभा चुनाव में इनेलो आदमपुर से दूसरे नंबर पर रही थी। इनेलो को यहाँ करीब 33% वोट मिले थे। चूंकि जाटों की इस सीट पर बहुलता है, यही वजह है कि इस बार भी इनेलो ने जाट उम्मीदवार राजेश गोदारा पर दाव खेला है। राजेश गोदारा आदमपुर हलके में सक्रिय हैं। SYL आंदोलन से लेकर कई मोर्चों पर सरकार के खिलाफ जनसमूह को साधने में सफल रहे हैं। आदमपुर में करीब 50% युवा मतदाता है, और युवाओं में राजेश गोदारा की पकड़ अच्छी मानी जाती है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई और सोनाली फोगाट के साथ भी युवाओं की एक बहुत बड़ी टोली है, और दोनों जाट समुदाय से ताल्लुक भी रखते हैं। ऐसे में राजेश गोदारा कितना चुनौती दे पाते हैं, ये समय बताएगा। JJP पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। आदमपुर सीट से JJP ने रमेश कुमार को मैदान में उतारा है, तो वहीं BSP ने सतवीर को, CPIM ने सुरेश को, भारतीय किसान पार्टी ने शमशेर सिंह, और निर्दलीय 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। आदमपुर सीट पर BJP अपना खाता खोलने के लिए बेचैन है। हालांकि भजनलाल के गढ़ में BJP कमल खिला पाएगी या नहीं, ये तो कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन PM मोदी खुद हिसार आकर प्रचार कर जनता का ध्रुवीकरण करेंगे। अगर मोदी की रैली कामयाब रही तो सोनाली फोगाट की राहें आसान जरूर हो सकती है, नहीं तो टक्कर कड़ी होने की संभावना है।